एंटरटेनमेंट। कहते हैं कि एक्टर तभी ऊंचाई तक पहुंचता है जब वो किसी भी किरदार में इस कदर जान डाल दे कि कभी दर्शक उस किरदार के लिए किसी और को देखना तो दूर सोच भी ना पाए। एक ऐसी ही अदाकारा है टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट। दिल मिल गए कि क्यूट रिद्धिमा हो या सरस्वती चंद्र की कुमुद हो या फिर बेहद की साइको माया, उन्होंने हर कैरेक्टर को इस तरह से जिया है कि दर्शकों पर उनकी छाप लंबे समय तक रहेगी। आज हम आपको आप सबकी चहेती माया यानी कि जेनिफर विंगेट की लाइफस्टाइल से रूबरू कराएंगे। जेनिफर विंगेट का जन्म 30 मई 1985 को महाराष्ट्र के मुंबई में हेमंत विंगेट और प्रभा विंगेट के घर हुआ था। हेमंत महाराष्ट्र के एक क्रिश्चियन फैमिली से हैं, वहीं जेनिफर की मां प्रभा एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती है। जेनिफर विंगेट का निकनेम जेनी है। जेनिफर विंगेट का एक भाई मोसेस भी है। उनकी मुंबई में ही स्कूलिंग हुई थी और केजे सोमैया जूनियर कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स से ही उन्होंने ग्रेजुएशन किया था। अब बात करते हैं जेनिफर के करियर की। जेनिफर ने एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी। हालांकि जेनिफर बचपन में एयर होस्टेस बनना चाहती थी। उन्हें पहला ब्रेक 10 साल की उम्र में मिला था। वो आमिर खान की फिल्म अकेले हम अकेले तुम में नजर आई थी। फिर वो राजा की आय की बारात, राजा को रानी से प्यार हो गया, कुछ ना कहूं में चाइल्ड एक्टर के तौर पर नजर आई थी। अपने पहले टीवी ब्रेक के बाद जेनिफर ने कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखा। 2003 में वो बालाजी के बैनर तले बने शो कुसुम और कोई दिल में है नजर आई थी। तो वहीं 2004 में वो सीरियल कार्तिका में नजर आई। इसके बाद जेनिफर ने स्टार प्लस के बेहद चर्चित शो कसौटी जिंदगी के में स्नेहा बजाज के रोल में नजर आई थी। इस शो के बाद वो काफी पॉपुलर हो गई। इस शो के दौरान ही जेनिफर ने क्या होगा निम्बो का में काम किया था। उसके बाद जेनिफर ने कहीं तो होगा, संगम, दिल मिल गए, सरस्वती चंद्र, बेहद, बेपनाह और बेहद 2 में काम किया। इसी के साथ जेनिफर ने कई रियलिटी शो, जरा नच के दिखा, देख इंडिया देख, लाफ्टर के फटके, जोर का झटका। जेनिफर 2020 में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी नजर आई थी। उनकी ऑल्ट बालाजी के बैनर तले बने शो कोड एम में वो नजर आई थी। अब जानते हैं जेनिफर के अवार्ड के बारे में। जेनिफर विंगेट ने सरस्वती चंद्र के लिए मोस्ट फिट एक्ट्रेस बेस्ट एक्ट्रेस ज्यूरी अवार्ड जीता था। तो वहीं बेपनाह के लिए भी जेनिफर को 2 बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। कोड एम के लिए भी जेनिफर को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। अब बात करते हैं जेनिफर के लव लाइफ के बारे में। जेनिफर की मुलाकात अपने पहले प्यार करण सिंह ग्रोवर से कसौटी जिंदगी के सेट पर 2005 में हुई थी, लेकिन 2009 में दिल मिल गए शो में दोनों फिर मिले और दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया था और दोनों ने 9 अप्रैल 2012 को शादी भी की, लेकिन यह रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका। दोनों 2014 में अचानक अलग हो गए। कहा जाता है कि करण का अफेयर अभिनेत्री बिपाशा बासु से शुरू हो गया था और जेनिफर और करण का रिश्ता खराब होने लगा और दोनों ने तलाक ले लिया, जिसके बाद खबरें आई कि जेनिफर विंगेट अभिनेता शहबान अजीम के साथ रिश्ते में है। अब जानते हैं जेनिफर के लाइक्स के बारे में। जेनिफर विंगेट को मुगलाई खाना बेहद पसंद है, तो वहीं लेमन आइस टी उनका सबसे फेवरेट। वहीं बात करें उनके चहेते सितारों की, तो उन्हें शाहरुख खान और रानी मुखर्जी काफी पसंद है। आपको ये भी बता दें कि ब्लैक फिल्म में निभाए गए रानी मुखर्जी का रोल उनका ड्रीम रोल है। जेनिफर का फेवरेट डेस्टिनेशन सिंगापुर और मलेशिया है। वहीं उन्हें सफेद रंग काफी पसंद है। उन्हें मिठाई भी काफी पसंद है। जेनिफर विंगेट की बेस्ट फ्रेंड है अभिनेत्री दृष्टि धामी। जेनिफर को पेट काफी पसंद है। 2012 में ईस्टर्न आई मैगजीन ने जेनिफर को 50 सबसे सेक्सीएस्ट वुमेन की लिस्ट में 21वीं रैंकिंग दी थी। जेनिफर पर एपिसोड 1 से 1.5 लाख रुपए लेती है। वहीं उनकी नेटवर्थ 60 करोड़ रुपए है। जेनिफर के कार कलेक्शन की बात करें तो उनके पास लेम्बोर्गिनी यूरस है जो कि 3.10 करोड़ रुपए की है। जेनिफर को दोहा और कतर में शॉपिंग करना बेहद पसंद है।